हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पांच टिप्स के बारे में जो आपकी क्लास 11th या 12th की कोई भी फिजिक्स की डेरिवेशन हो वो आप इजीली लर्न कर लोगे। जी हाँ, मैं आपको ऐसी पांच टिप्स बताऊंगा जिससे जो डेरिवेशन है उनमें आपको अब आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हर एक डेरिवेशन को आप इजिली याद कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे। बस आपको ये पांच टिप्स जो है वो फॉलो करनी है भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और आप सबका स्वागत है प्यूटन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की ढेर सारी मोटिवेटेड स्ट्रेटेजीज और क्लास 11, 12 की फिजिक्स की वीडियो जो है चैनल पर आती रहती हैं। चैनल का जो है यूट्यूब चैनल का जो है भाई टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें कलर्ड हैंडल नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। कल ही मैंने कंप्लीट फिजिक्स क्लास 12th की उसके शॉर्ट नोट्स अपलोड किए वहां पे। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बात करते हैं पांच टिप्स के बारे में। फर्स्टली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ भाई, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे स्पेशली कि सर हमें डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के बच्चों के जो है मैसेज और कमेंट आ रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं भाई, आपका जो पेपर होता है 70 मार्क्स का, उस 70 मार्क्स में से 18 से 22 नंबर जो होते हैं वो डेरिवेशन के होते हैं। 18 से 22 नंबर जो होते हैं वो डेरिवेशन के होते हैं। तो एक बड़ा पार्ट है ये आपके मार्क्स का, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। तो पहली टिप क्या है भाई आपकी, पहला स्टेप क्या है, देखिए अंडरस्टैंड द डायग्राम। डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। मैं जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, डेरिवेशन कराता हूँ, तो बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर तुम डायग्राम समझ लो ना भाई, डायग्राम अच्छे से कि कैसे कैसे ये बना है, क्या क्या इसमें स्टेप्स हुए हैं, क्या कितना डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट्स का क्या क्या मतलब है, क्या चार्ज है, क्या इसका सेंटर से डिस्टेंस है, ये सब चीजें वो डायग्राम में हम अगर क्लियर कर लें कैसे वो डायग्राम बना हुआ है, तो हमें क्या होता है भाई, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है डेरिवेशन का वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये डाइपोल है माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू। ठीक है, अब मुझे क्या है इक्विटोरियल पे फील्ड निकालना, तो आपको पता होना चाहिए इक्विटोरियल क्या है, मतलब आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर कि यहां से ये पॉजिटिव है तो ये जो डायग्राम में पॉइंट्स आए हैं उनके बारे में अपनी बातें बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फील्ड बाहर जाएगा तो ये इसको ऐसे कर देगा भाई, इसका फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो अंदर आएगा भाई। ठीक है, अब एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह की सब चीजें क्या है वो कैसे पता लगेगी आपको, डायग्राम से पता लगेगी। हाँ, कि कितना डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, सेंटर से मेजर करना है। जरूरी नहीं है कि मैं इक्विटोरियल का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी का भी एग्जांपल ले लेना, चाहे वो एक्सियल का हो, इक्विटोरियल का हो, पोटेंशियल का हो, या वो इम्पीडेंस सर्किट्स का हो, किसी भी का हो। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जब भी आप डेरिवेशन स्टार्ट करो किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर में, उसका डायग्राम आपको सबसे पहले स्टडी करना है कि उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम क्या बनता है, क्या क्या उसमें जो पॉइंट्स हैं उनका क्या क्या मीनिंग है। नेक्स्ट चलते हैं स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल है भाई उसका मतलब क्या है कि जो चीज आपसे पूछी गई है वहां से स्टार्ट करिए। मान लीजिए अगर इसमें आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, मतलब कि भाई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से एक यहाँ पे जा रहा है फील्ड, एक यहाँ पे आ रहा है फील्ड, तो आपको पता लगेगा नेट फील्ड यहाँ पे है, तो मतलब दोनों एक कोस कंपोनेंट यहां और साइन कंपोनेंट एक यहां और एक साइन कंपोनेंट एक यहां, ये सब आप डायग्राम में पहले से क्लियर कर लोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल का मतलब है कि भाई जो चीज आपको बोली है, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ऐसे निकालते हैं, और जब तुम्हें पता होगा कि नेट कैसे निकालना है, एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर इसके लिए, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, इस तरह का कुछ मैं करूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि हर एक में मतलब वर्किंग प्रिंसिपल होगा, ऐसा नहीं, मतलब बेसिक से कि कहां से क्या चीज उसने पूछी है, उस चीज का वो क्या फॉर्मूला है बेसिक, वहां से स्टार्ट करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है यूज रेलिवेंट सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्या करते हैं, जैसे कई बार फॉर्मूला आता है तो हमारा जो डेरिवेशन है और उस डेरिवेशन में एक स्टेप आता है क्यू इंटू टू ए, तो वो क्यू इंटू टू ए को हम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के आपको सब्स्टिट्यूशन याद करने होंगे। ठीक है, उनको बार बार मतलब पुट करना मतलब जहां पे आपको लगता है कि यहां ये सब्स्टिट्यूशन यूज होगा उसको पहले पुट कर दो और अपने माइंड में बिठा लो अच्छे से,
तो क्या हो गई, यूज रेलिवेंट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आप कर ही जा रहे हो, जो यूज हो रहे हैं वो आप लगा ही जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला जो होगा वो सिंप्लिसिटी में आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ठीक है, हर एक चीज का आपको मीनिंग पता हो जाएगा। तो क्या करना है, यूज रेलिवेंट सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है रिपीट स्टेप्स इन माइंड। जो स्टेप्स आप कर चुके होंगे, जितने भी स्टेप आप कर चुके होंगे लास्ट तक, मान लीजिए कि आपने डायग्राम जब बनाया तो डायग्राम को एक बार माइंड में रिपीट कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, यहाँ पे माइनस क्यू लगाया, यहाँ पे प्लस क्यू लगाया, फिर मैंने इसके सेंटर से पॉइंट परपेंडिकुलर लिया, फिर क्यू से ऐसे फील्ड गया, फिर नेगेटिव की तरफ फील्ड गया, इस तरह की सब चीजें आपको माइंड में रिपीट करना है। फिर आपको रिपीट करना है कि मैंने ये कहाँ से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे निकला, इन दोनों को ऐड करके निकला, फिर मैंने इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को। तो ये सारे स्टेप्स आपको अपने माइंड में जो है रिपीट करने भी। माइंड में रिपीट क्यों करने हैं, क्योंकि कॉपी पे तो आप लिख चुके हो, पेज पे आप लिख चुके हो, आपको अब उसका प्रोसीजर समझना है, आपको उस चीज का प्रोसेस समझना है कि वो कैसे कैसे स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना भाई, रिपीट स्टेप्स इन माइंड, अपने माइंड में इन सब चीजों को रिपीट करना है। और एक सबसे बड़ी की जो मैं हर बार कहता हूं कि फिजिक्स को सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है भाई प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस भाई, मतलब लिखना, ठीक है। अब जो भी डेरिवेशन आप कर लेते हो उस डेरिवेशन को क्या करना है, 2 से 3 टाइम लिख के देखना, 2 से 3 बार उसको लिख के देखिए। सर 2 से 3 बार क्यों लिखे, एक बार नहीं लिखे जाते भाई। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं और डेरिवेशन पे अपनी पकड़ बनानी है तो हर एक डेरिवेशन को, जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन है सबको 2-3 बार अपने हाथों से निकाल देना, लिख लिख के, चाहे रफली लिख लो, ठीक है भाई। लिखने से क्या होगा, मैं 101% आपको एक बात बोलता हूं कि जब आप कोई भी डेरिवेशन एक बार करके दोबारा बिना देखे लिखोगे और पहली बार में आपकी कोई ना कोई मिस्टेक आपको जरूर मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको 2 से 3 टाइम जरूर लिखें, ताकि जो आपको पहली बार में गलती मिलेगी उसको आप सेकंड बार में फिर ना दोहराना, ठीक है। अगर आपकी सेकंड बार में भी गलती होती है भाई, फिर तीसरी बार कर लो, तीसरी बार होती है तो चौथी बार कर लो। क्यों, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि भाई हाँ कल पेपर है तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, नहीं, अभी पढ़े हैं 6-7 महीने आराम से। तो आप हर एक डेरिवेशन को 2-3 बार लिख के जरूर देखें। देखिए मैं आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स के अंदर शायद 100 to 130 शायद डेरिवेशन ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब टोटल ही इतनी है कुछ। तो उनको अगर आप कर भी लोगे 2-3 बार तो क्या हो जाएगा भाई, अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी 5 टिप्स जो आपको बताती है कि अगर आपको फिजिक्स की कोई भी डेरिवेशन, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th के अंदर हो, अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कोई भी डेरिवेशन गलत होने के चांसेस नहीं है, मतलब आपके जो गलत होने के चांसेस होते हैं ना डेरिवेशन के, वो बहुत कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे 5 स्टेप, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे कि डेरिवेशन को सॉल्व किस तरह से इजिली किया जा सकता है। मेन पॉइंट मैंने बता दिया कि लास्ट पॉइंट जरूर करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।